questions. Anybody else sitting there? Bro, coming. No. Becky, what is it? Sunita asking about it. Yeah, why don't you get Sunita? Sunita? Tushar from Middle East saw the first half. Fan. Yeah, ready. It's so bright it is. It's too. जी आई थिंक जिस एक कोइंसिडेंस था कि हमारी फिल्म आज के जो देश का मूड है जैसा कि आपने कहा उससे कोइंसाइड कर रही है. हमने फिल्म डेढ़ साल पहले बनाना शुरू की थी बट ऑनेस्टली हाँ इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आजकल सोसाइटी को आज के सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एक नॉट इन अ प्रीची वे एक एंटरटेनिंग वे में हमने आपके सामने ये सब पेश किया है. आप और मैं अपने घरों पे बैठे रहते हैं सेफ्टी में और हमें पता नहीं होता कि जो लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं उन पर क्या बीतती है, वो लोग किस स्थिति से गुजरते हैं. एंड ये सब थोड़ी बहुत ट्रू स्टोरी से बोरो करके हमने अपनी फिल्म में भी डाली है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी कमर्शियल एंटरटेनिंग एंड हार्ड हिटिंग ग्रिपिंग फिल्म फॉर यू टू वॉच. Yeah, I think Force 2 is a very important film for India right now. और सफ़ेद भारत में ये पहली legitimate film है. So I think it's a आज के तारीख में I think this is it's a game changing film. और मेरे हिसाब से मोदी जी के steps के बाद ये corruption के बाद ये demonetization के बाद ये पहली film है जो technically release हो रही है. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी ये डीमोनेटाइजेशन का जो मसला है वो काफ़ी हद तक अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉल्व हो चुका है, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा. लेकिन जिन लोगों को फिल्म देखना है क्योंकि मोदी ट्रंप ये वो डीमोनेटाइजेशन अभी बहुत कुछ हो गया, पीपल वॉन्ट सम रिलीफ एंड आई थिंक दैट रिलीफ इज फोर्स टू एंड दे कैन कम एंड एन्जॉय टू आवर फिल्म. देखिए थोड़ा बहुत नुकसान शायद हो भी सकता है लेकिन हमने ये सोचा कि 10 दिनों के बाद 8 तारीख को ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 10 दिनों में लोगों ने काफ़ी झेला है और इंडिया की एक तासीर है कि हम किसी भी दुख को बहुत दिनों तक साथ में लेके नहीं चलते. हम आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं और जो जितना स्ट्रेस लोगों ने भुगता है तो एक एंटरटेनमेंट की एक रिलीफ की उन्हें ज़रूरत है और हम उसी पर्पज़ से इस फिल्म को ला रहे हैं कि लोगों का जो स्ट्रेस है उसे दूर करने में हम थोड़ा बहुत भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ. और एक्चुअली जो इंटरनेट पर बुकिंग होती है वो देख के ऐसा लग रहा है कि लोग निकल रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं. तो नुकसान ज़रूर होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों की जो एक चाह है एंटरटेनमेंट देखने की वो एक इंडिकेशन ऑलरेडी इंटरनेट की बुकिंग से मिल रहा है. और ना सिर्फ हम जैसे बुक माई शो है, पेटीएम है, इन्होंने ऑफर्स निकाले हैं ऑडियंसिस के लिए कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं जाके एंटरटेन होना चाहते हैं तो 2 टिकट की बाइंग पे 150 रुपये की उनको डिस्काउंट दिया जाएगा. तो हर प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा है कि लोगों को कैसे सुविधा पहुंचे, लोगों को नो कैश का जो एक मामला है. सो लोग चाह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा है कि लोगों को हम कितनी सहूलियत दे सकें ताकि लोग अपनी रेगुलर नॉर्मल ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए. तो मुझे लगता है कि कल शायद वो दिन होगा जब लोग निकलेंगे पिक्चर देखने. हम उसी उम्मीद से हमारी फिल्म लेके उनके पास आ रहे हैं. कई लोग हैं जॉन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग जो पोस्ट भी कर रहे हैं, तो आई यू एग्री कि मतलब आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? या आई थिंक आई स्टैंड बाय दिस मूव एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक और डेफिनेटली काफी इनकन्वीनियंस हो रहा है लेकिन आई थिंक इन द लार्जर गुड
इट्स अ वेरी गुड मूव. मैं डेफिनेटली ये डीमोनेटाइजेशन के मूव को सपोर्ट करता हूँ. मुझे इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि मेरा एक फुटबॉल टीम भी है और मुझे पता है कि स्टेडियम के अंदर जो हर गेम में हमें 75-80 लाख का जो कलेक्शन होता है, आज मुझे पता चला सिर्फ 1,50,000 का कलेक्शन हुआ है. सो आई नो द इफेक्ट एंड द हिट ऑफ दिस. लेकिन मेरे हिसाब से लाइक आई सेड ये एक ना एक दिन करना ही था. अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इट हैपेंड बिफोर आर रिलीज. लेकिन फोर्स टू इन द मीनवाइल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बन चुकी है. तो मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल विल गो आउट एंड सी दिस फिल्म क्योंकि ये बहुत ही ये नैरेटिव है जो फिल्म का बहुत ही तेज़ है, फास्ट है, एंटरटेनिंग है. लेकिन ये एक क्रेडिबल फिल्म भी है, बहुत ही क्रेडिबल फिल्म एंड इट्स बॉर्डर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज जैसे सोनाक्षी ने कहा. सबसे पहले तो ये जो बदलाव हो गया है बहुत बड़ा बदलाव है, उसको या तो आप नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं और कहते हैं कि भाई फिल्म को आगे कीजिए उससे आगे, लेकिन उसके आगे लगी हुई फिल्में हैं और बहुत सी दूसरी गणनाएँ आती हैं. दूसरा आप इसे सकारात्मक तरीके से देखिए कि बदलाव इस तरफ है कि आप इससे कुछ चेंज लाएँ. और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जीबिशन सेक्टर में कि हम लोग ये जो कैश की डीलिंग रही है उससे हम लोग कैशलेस और डिजिटल पे जाएं, और इसको करना इतना मुश्किल नहीं है. तो अगर आप मल्टीप्लेक्सेस देखें तो उसमें करीब 65% 65% लोग जो हैं वो उनके पास ऑप्शंस हैं डिजिटल पेमेंट लेने के ओवरऑल. तो सिर्फ सिंगल स्क्रीन है जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप कार्ड्स रिसीव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपके पास मोबाइल वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, और हम लोगों ने पिछले 10 दिन में काफ़ी काम किया है जिसमें हम लोगों ने उनके साथ पार्टनरशिप की है. हम लोगों ने उन्हें उन सब सिंगल स्क्रीन्स को इनक्रेज किया है कि आज अगर आप इवन एक सब्जी वाले को देखें तो वो एक QR कोड लगाकर अगर एक केले बेच सकता है तो एक सिंगल स्क्रीन QR कोड लगा के एक टिकट तो ज़रूर बेच सकता है. तो आई थिंक इस वक्त आपके सामने एक चुनाव है, या तो आप पीछे हट जाएं, आप सिर्फ कष्ट की बात करें और रोते रहें. दूसरा तरीका है कि आप वो सब पॉजिटिव बदलाव और चेंज लाएं, और हम लोगों ने वो रुख अपनाया है. आपको विचार है फिल्म पोस्टपोन नहीं? हम सब ने जब इस पे डिस्कशन किया तो हमने एक ही फैसला किया कि एक देश के बदलाव की घड़ी है और सबको तकलीफ होगी, तो हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए और केओस नहीं क्रिएट करना चाहिए, इस मूव को सपोर्ट करना चाहिए. It is having an effect on everything. So our film is up for release, so it's obvious that it will have a certain effect on our film as well. But we're hoping for the best, like all of us here, very positive, because we've made a good film. We've made a film that we are proud of. We've made a film that India should see. And I feel that in the long run, actually John has also been saying that right now it's not about the numbers for us, it's about getting a good film out there and as many people to watch it. So whoever is can watch it should definitely go and watch it. बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था. आई थिंक एक चीज़ है जो वायरल हो गई है एंड ऑनेस्टली हमसे वहाँ पर करवाया गया एंड जॉन एंड मी वर वेटिंग टू डू इट, कब करेंगे, तो हमें वहाँ मौका मिला. इट वाज गुड फन एंड रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है उसके लिए. तो No, I think you can just move the table. Yeah, it reaches. So, the script mein pehle China zaruri tha, lekin jab hume China ke system aise hota hai ki unko script bhejne padta hai, likhna padta hai pehle. Aur script ko padhne ke baad unhone kaha, wahan ke line producers jo the, unhone kaha ki mere khayal se ye pass nahi hone wala, तो आप कोई ऑल्टरनेटिव देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो आप शूट नहीं कर सकते. तो उसके बाद हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं था बट टू रिक्रिएट चाइना समवेयर एल्स. तो यही रीजन था या फिर इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखते हुए भी आपने वो डिसाइड किया? नहीं, मेरे ख्याल से फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर अगर हम इस तरह का कुछ
ऑब्जेक्शनेबल कुछ अगर होगा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. एंड ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये देश के बारे में नहीं है, ये फिल्म है. उन्होंने तो इसीलिए हम लोग जाके बैंकॉक में चाइना के देखिए नॉर्मली ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, लेकिन अब ये सवाल रह ही नहीं गया है क्योंकि शोकेसिंग जो है वो बहुत आसान है. इनफैक्ट थिएटर्स में कई लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि हम शोकेसिंग करना चाहते हैं और आप हमें प्रिंट दीजिए वगैरह. सो ये शोकेसिंग पे कोई भी यू नो जो एक नॉर्मल प्रेशर रहता है वो नहीं है. और स्क्रीन काउंट अगर आप देखें तो 1500 से 1800 तो मिनिमम रहेगा ही. और अगर ये चीज़ डायनेमिक भी होती है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा वाइड चले जाए. इस वक्त विड्थ कितनी होगी वो सवाल नहीं है. इस वक्त सवाल सिर्फ ये है कि जो ऑडियंस हैं और जो दिक्कत उन्हें पेश आई है पिछले 10 दिनों में उससे वो कितना उबर पाई है और वो कितना बोरियत महसूस कर रही है व्हाट्सएप में वही वही जोक्स पढ़ के. जैसे इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन और ट्रंप, तो आई थिंक अगर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई फिल्म नहीं होगी. तो फीडबैक तो हमें एक घंटे के अंदर मिल ही जाएगा. एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन रहा. हमारी 50 दिन की गुजर वेस्ट में शूटिंग हुई थी. मेरे पहले फिल्म मर्दानी के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी स्केल की फिल्म है. एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा बहुत स्केल पे शूट हुए थे. इसके लिए बहुत बड़े स्केल का एक्शन था. उस एक्शन के लिए 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग लगी थी. पर जब आप दो ऐसे स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं जो पहले एक्शन फिल्में करते आए हैं तो आपका काम जो है आसान हो जाता है. आपको डीमोनेटाइजेशन का असर पड़ा है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं मेरे पास सिर्फ यही फिल्म है. ये फिल्म के रिलीज के बाद आई हैव नॉट साइंड ऑन एनी अदर फिल्म. नहीं आई डोंट थिंक आई थिंक आप अजीत से पूछिए इसके बारे में. ये हमारे डिसीजन मेकर है. ये सब डिसीजन लेते हैं कौन जाते हैं कौन नहीं जाते. जी 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 वो आप विपुल जी से पूछिए. अभी नहीं ऐसे करते ना आपका नहीं बात का. नहीं हमारे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है फोर्स थ्री का. हम यही चाहते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि वायकॉम जो है और विपुल जी जो हैव बीन फैंटास्टिक पार्टनर्स. एब्सोल्युटली वंडरफुल. वायकॉम के साथ मैंने पहले भी काम किया है. इस बारी भी काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए डिस्कशंस हुए जो भी हुआ. बट आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड पार्टनर्स जो अजीत अंधारे यहाँ पे बैठे हैं. एंड विपुल जी के बारे में जितना भी कहे वो कम है बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो क्वालिटी के होते हैं बहुत कम होते हैं. एंड आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स यू हैव इन दिस कंट्री. तो इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. एंड इट्स जैसे हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं इट फील्स लाइक अ मैटर ऑफ ऑनर दैट यू वर्किंग विद दीज पीपल. डेफिनेटली फोर्स थ्री की बात हमने दोहराई. बट आई फील अभी कुछ स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है. इस पर डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुआ है. डेफिनेटली मैं चाहूँगा फॉर श्योर आई एम श्योर विपुल ऑल्सो वुड लाइक इट. अजीत वुड ऑल्सो लाइक इट. अभिनय वुड ऑल्सो लाइक इट. सोनाक्षी आप तो बट आई फील वी वुड वॉन्ट टू डू अ फोर्स थ्री क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि आज के तारीख में दिस इज़ द बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइज ऑफ द कंट्री. तो हम यही मानते हैं कि हमें करना चाहिए. डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी कुछ हुआ है और आई थिंक वी शिफ्टेड द कॉन्सेंट्रेशन टू डीमोनेटाइजेशन. लेकिन अगर हम वापस हमारा जो ये यहाँ पे लेके आए वापस आई थिंक फोर्स टू को अप्रिशिएट करना बहुत मतलब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए.
and I think after that we can take a call. मुझे उठाएंगे सर आप बता दो ना आपने विपुल जी को ताड़ बोलिया पोस्ट थ्री में एटीएम मशीन उठाओ सारे एटीएम मशीन में उठा के खाली करेंगे मैं एक्चुअली बहुत समय से मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक मनी यूज़ करना शुरू कर दिया था तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है बट हाँ घर के कामों में ऑफ कोर्स आई एम श्योर मेरी मॉम को दिक्कत हो रही होगी जी मैं तो आधे घंटे पहले फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मैंने 2000 रुपए का नोट देखा है अभी एब्सोल्युटली और होना भी चाहिए जो कदम उठाया गया है वो इसी बात के लिए उठाया गया कि आगे जाकर हमें कैशलेस सोसाइटी बने इससे कितने ब्लैक मनी का जो स्कैम्स जो होते हैं करप्शन बहुत सारी चीज़ें पर एक बहुत हद तक रुकावट आ सकती है सो आई थिंक वी शुड ऑल स्टेप टू अदर जो असुविधाएँ हो रही है आजकल थोड़ी बहुत सब लोगों को एक बड़े कॉज के लिए एक अच्छे कॉज के लिए उतनी बहुत झेलना आई थिंक ठीक है क्योंकि आगे जाकर जो होगा अच्छा ही होगा आई थिंक जस्ट टू रीइटरेट द ऑफर्स पेटीएम और बुक माई शो और pvrcinemas.com और सिनेपोलिस ने भी अभी काफ़ी ऑफर्स दिए एंड आई थिंक वी मस्ट पिक अप दीज ऑफर्स हमारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली पिक दीज ऑफर्स अप कैशबैक ऑफर्स है 50% ऑफ है 150 रुपीज़ मैक्सिमम कैशबैक ऑफ है ऑन टू टिकट्स ये ऑफर्स लीजिए एंड कम एंड वॉच दिस फिल्म एंड एन्जॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम या So, I don't know about Coffee with Karan, but Karan spoke to me yesterday and he wants to see Force 2. So, we'll definitely show him the film. And वहाँ पे हम लोग उनको coffee पिलाएंगे for sure. Definitely. Good one. Yeah. Yeah. आगे मत जाओ बस आगे मत जाओ ये सर सर यही इसके लिए ऊपर है जोए भाई जोए भाई सर जोए भाई लेफ्ट में हो जाना थोड़ा सर सर जोए भाई का सर आ रहा है ये लेफ्ट में अरे हलते क्या है
चलिए दादा मैम थोड़ा बाल बाल यस मैम यस और एक फाइट एक्शन यस बस बस हो गया अभी बस चलो चलो चलो